इन नर्सेस को आप जिस बच्ची के साथ खेलता देख रहे हैं, ये बच्ची इनके रिश्ते में कुछ नहीं लगती। लेकिन कहते हैं ना कि खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है इंसानियत का रिश्ता। शायद इसीलिए ये नर्सेस 3 महीने की इस छोटी सी बच्ची का पूरी तरह से ख्याल रख रही हैं। मगर क्यों, तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा से लगातार 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लेकिन इसमें एक महिला मरीज ऐसी है जिसकी 1 3 महीने की छोटी सी बच्ची है, साथ ही एक बेटी 2 साल की है। वहीं मां कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की भूख शांत नहीं करा सकती, तो बड़ी बेटी का ख्याल बेटियों के पिता रख रहे हैं। दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान की देखभाल रायपुर एम्स अस्पताल की नर्सेस कर रही हैं। एम्स अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नितिन एम नागरकर बताते हैं कि अस्पताल में बच्ची की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तभी नए पेशेंट्स का डिस्चार्ज होता है, तो अभी वो क्योंकि उनकी जांच जारी है, इलाज जारी है, पेशेंट्स अभी वार्ड में हैं। इनके साथ ऐसे 2 बच्चे भी हैं जो इन पेशेंट्स के साथ आए थे, क्योंकि उसमें से दो बेबीज हैं। एक बच्ची की उम्र है 22 महीने और दूसरे बच्चे की उम्र है 3 महीने। तो इनकी मदर जो कनखरा से है, कोरबा से, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आई थी, तो इनकी देखरेख अलग से हमारे हॉस्पिटल में हो रही थी। शुरुआत में इनकी नानी भी आई थी वहाँ से उनका देखरेख करने के लिए, लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि नानी जी जो है उनकी उनका भी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो तब से ये दोनों बच्चे हमारे यहीं पर हैं, अलग उनको रखा गया है। जो 22 महीने की बच्ची है उसके फादर देखरेख कर रहे हैं, और जो 3 महीने का जो बच्चा है उसकी देखरेख हमारी नर्सिंग स्टाफ कर रही है। ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया का भरोसा पूरी तरह से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर टिका हुआ है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची की माँ जल्द से जल्द ठीक होकर इस बच्ची के साथ अपने घर जा सके। रायपुर से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।